हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आस्था चौहान में। और आज देखिए सामने हमारे ब्लॉग की तैयारी चल रही है। मिट्टी है इसके पास, देखो ये मिट्टी से चल रहा है, बाहर से मिट्टी लेके आए क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है काम। और ऊपर चटनी भी हो चुकी है, चटनी के लिए टमाटर, मिर्च और लहसुन। ये करता फिर मैं, हेलो गाइस हेलो गाइस, राम नाम करो, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के राम राम नाम करो भाई, राम नाम करो। ठीक है, डालेंगे चटनी दूसरों को। और ये भी कर चुके हैं, पत्ता गोभी रेडी है और इधर मैदा मल देखिए, इधर पत्ता गोभी बन रही है, जो फिलिंग बनती है मोमोज में वो बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल लेने, जैसे आप डेली डालते हैं वैसे ही फिलिंग में डाल लेना है। और फिर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है एंड देन इसमें डाल देना है हमें अपनी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर हमें इसे रेडी कर लेना है। आप जैसे मसाले चाहे वैसे अपनी तरफ से बना सकते हैं, मतलब जैसे आपको फ्लेवर पसंद है, ज़्यादा तीखा या चटपटा, दोनों बातें की है सॉरी। एंड इधर चटनी की तैयारी हो रही है क्योंकि मोमोज का टेस्ट उसकी चटनी से आता है। तो फिर यहाँ पे हमने तेल गरम किया, उसमें थोड़ा जीरा डाला है और ये पता नहीं क्या है, ये डाल दिया मम्मी ने और इसमें डाल दिया हमने चटनी। चटनी के लिए हमने टमाटो, मिर्च और लहसुन को अच्छे से बॉयल कर लिया था, इनकी चटनी बना दिया, फिर डाल दिया। इसमें डाल देना चाट मसाला और गरम मसाला थोड़ा सा, अब इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पे चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मोमोज बन रहे हैं, मोमोज की फिलिंग बना, फिलिंग हमारी पत्ता गोभी से बन गई है। मैं आपको सिखाती हूँ कि इन्हें कैसे हमें फोल्ड करना है, शेप देनी है। खैर मुझे इतने अच्छे से, मम्मा को इतने अच्छे से भी शेप देनी नहीं आ रही थी क्योंकि ये वैसी वाले है ना, न्यू शेप ट्राई की है इसीलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की फिर आ गई थी। अभी देखो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई। खैर खाने ही है, इन्हें फेंकना नहीं है ना, किसी को दिखाना है। आपको तो पता ही है यूट्यूब फैमिली है आप हमारी, आपको पता है कि कैसे बनते हैं, तो आप वैसे अपनी शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और देखिए हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं, इसकी इतनी अच्छी भी शेप नहीं आई है, इस पर नोटिस मत करना आप लोग। एक साथ तो हमने बना लिए थे लगभग आई थिंक 30-40 मोमोज बन गए थे हमारे, बहुत टेस्टी बने थे। इधर हमने कढ़ाई में पानी रख लिया, ऊपर से ये छलनी रख ली है, ऐसे हम अपने बहुत सारे मोमोज की फिलिंग भर लेंगे, शेप दे देंगे। मैंने अलग अलग शेप्स ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा फ़नी थी इसलिए दिखाई नहीं, बहुत ज़्यादा ही फ़नी थी। अब इन्हें बॉयल करेंगे अच्छे से, बॉयल मोमोज भी बहुत टेस्टी लगते हैं, वो ट्राई ज़रूर करना, पता है आपने खाए होंगे क्योंकि बॉयल मोमो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब मम्मा शेप दे रही है इसको, इतनी गंदी शेप आई है, बहुत गंदी शेप, मतलब कुछ भी। और देखिए इधर हमने रख दिया है इन्हें उबलने के लिए और इधर हम सर्व करते हैं चटनी, थोड़ी सी क्रीम, मेयोनीज कह सकते हैं। ये हमारे मोमोज बॉयल हो चुके हैं, देखिए इनका कलर भी थोड़ा डार्क हो चुका है, आप टच करके देख सकते हैं। अगर आपके मोमोज सॉगी सॉगी से हैं तो मतलब वो अभी बॉयल नहीं हुए हैं, अगर बिल्कुल परफेक्ट हो तो वो बॉयल अच्छे से हो चुके हैं। तो मैं जितने मोमोज अच्छे से बॉयल हो चुके थे हमने ले लिए हैं, अब इन्हें टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी दिख रहे हैं और टेस्ट भी इनका बहुत टेस्टी है, गरम गरम है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे। ये इनके अंदर की कैबेज की फिलिंग और ये यहाँ पे मेयो नीज और ये है चटनी, सब कुछ घर पे बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनाते हैं, तो बना के देखना, रेसिपी भी फुल है इस बार। ये बता रहे हैं उसके ऊपर बैठे हो, फोन दिखा के आप कहाँ बैठ रहे हो, चलो मैं चलने दिखा चलूँ, अच्छे से दिखाना। और हमारे यहाँ पे भी ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पे जो है लकड़ी का काम चल रहा है अलमारी बनने में। और इसी के साथ साथ अब ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो रहा है।